हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक का परफॉर्मेंस हमें कैसा नज़र आ रहा है और साथ ही साथ आगे क्या कुछ बदलाव डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को क्या कुछ राय यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक का फ्राइडे का परफॉर्मेंस आपके सामने रखना चाहूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 से 5% के करीब करीब यहाँ पर तेज़ी स्टॉक के अंदर बनते हुए हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अपनी ओपनिंग 3420 पर की थी और अब स्टॉक फिलहाल ट्रेड कराए 3546.50 के लेवल पर। ये जो स्टॉक के अंदर तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है 5% के करीब करीब की, ये मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो न्यूज़ निकल कर आई थी मोबाइल बिजनेसेस को लेकर, उसके चलते स्टॉक के अंदर ये तेज़ी बनते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो इस लेवल पर इन्वेस्टर इसके अंदर बाइंग करना चाहते होंगे कि स्टॉक के अंदर अब तेज़ी बन रही है, स्टॉक इससे आगे और ज़्यादा अच्छे लेवल्स लगा सकता है, ऐसा इन्वेस्टर्स के माइंड में ख्याल आता होगा। लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर आगे फिलहाल की न्यूज़ है, इसी के चलते स्टॉक के अंदर यहाँ पर ये जो तेज़ी बनते हुए हमें देखने को मिल रही है, वापस से मंडे के दिन स्टॉक के अंदर हल्का सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप इसका पास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी अभी स्टार्टिंग हुई है स्टॉक के अंदर, जो कि 2 से 2.5% के करीब करीब की देखने को मिल रही है, वो भी 4 दिनों के बाद स्टॉक के अंदर इतनी तेज़ी हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। स्टॉक का ये जो रुझान है यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं, स्टॉक के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, वापस से करेक्शन देखने को मिल रहा है, हल्की सी ग्रोथ फिर वापस से करेक्शन स्टॉक के अंदर दिखाते हुए देखने को मिल रहा है, और अब फिर से स्टॉक के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर फंडामेंटल पॉइंट्स की बात की जाए तो आपको बताना चाहूँगी, स्टॉक का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 4 डिजिट्स में स्टॉक का यहाँ पर रेवेन्यू था, जो कि 2841 करोड़ रुपीज़ का था, वो आप बढ़कर यहाँ पर 10697 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि रेवेन्यू के मामले में स्टॉक की जो इनकम है वो अच्छी खासी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक का अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 डिजिट्स में था, उसके बाद स्टॉक के अंदर 1 साल के भीतर ही 3 डिजिट्स में यहाँ पर रिकवरी होते हुए देखने को मिली, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। 105.55 का यहाँ पर करोड़ रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर स्टॉक की यहाँ पर देखने मिल रही थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर स्प्लिट होते हुए देखने को मिला, उसके बाद से स्टॉक के अंदर वापस से रिकवरी, वापस से यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक के चलते यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 32.31 करोड़ रुपीज़ का स्टॉक की यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। यानी कि जो रेशियो इसका 2018 में था 54 करोड़ रुपीज़ का, उस लेवल तक अभी स्टॉक नहीं पहुँचा है। यानी कि स्टॉक की अर्निंग पर शेयर यहाँ पर काफ़ी स्लो मैनर में होते हुए हमें देखने मिल रही है। ऊपर से इसका डेप्ट ऑन इक्विटी रेशियो अगर आप देख सकते हैं, जो कि 0.46 करोड़ रुपीज़ का देखने मिल रहा है, जो अब तक के 2018 से लेकर 2022 तक का अब तक का हाई डेप्ट ऑन इक्विटी रेशियो यहाँ पर बन चुका है। तो इसी के चलते आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी हमें कई सारे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स देखने मिल रहे हैं। एक तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम कर रहे हैं, ऊपर से नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स कम हो रहे हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना स्टेक यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक ही बात देखने मिल रही, जो कि उनकी 6.92% तक की ऑलरेडी उनकी होल्डिंग थी, वो बढ़ाकर 7.21% तक की उनकी होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर इसके हम पॉइंट्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, अभी जो करंट प्राइस है स्टॉक की वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी बाइंग की यहाँ पर दोस्त काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है, इसके मामले में कोई दो राय नहीं है, लेकिन डिविडेंड रिटर्न के मामले में स्टॉक काफ़ी अनअट्रैक्टिव देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो फाइनल टाइप के डिविडेंड होते हैं उसमें स्टॉक यहाँ पर 1 रुपीज़ से 2 रुपीज़ तक का डिविडेंड प्रोवाइड करते हुए हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेवल पर अगर इसके अंदर देखा जाए तो कंपनी कोई भी ASM या GSM लिस्ट में हमें देखने को नहीं मिलती है, जो कि एक अच्छी बात स्टॉक को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये हम डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने अभी तमाम बातें की उसके ऊपर से, कि स्टॉक की अभी जो फिलहाल की प्राइस है वो हाई है, तो अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और स्टॉक का जो अभी ये हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है फ्राइडे के एंडिंग के हिसाब से, तो मंडे के दिन इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय से इसके अंदर होल्डिंग बनाए रख रहे थे, उनको उस लेवल पर जितना प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए था डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक ने, उतने लेवल का यहाँ पर जनरेट होते हुए प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि स्टॉक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लेते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करना आप सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसा स्टॉक का बिजनेस काफ़ी यहाँ पर शानदार है, और ये
जो बिजनेस है ये आगे इनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा कर देगा। और पीएलआई स्कीम के चलते भी इसको काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हुए हमें देखने को मिल ही रहे, जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस भी किया था। डिक्सन टेक्नोलॉजी के अगर नेक्स्ट टारगेट प्राइजेस की बात की जाए, लॉन्ग टर्म के टारगेट प्राइजेस की, तो 4447 तक के इसके टारगेट प्राइजेस निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आपको इसके अंदर अपनी लॉन्ग टर्म की होल्डिंग इसके अंदर बनाए रखनी चाहिए, तभी आपको इसके अंदर फायदा हो सकता है। तो आई होप सर डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक को लेकर सारी बातें आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मैं